हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने अभी अभी जो है तो यूटीआई का रिटेलर ऐड लिया है और आप पहली बार तो उसको जो है तो लॉगिन कर रहे हैं, तो हम आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं और कैसे जो है तो आपको कूपन चेक करना है और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, उसमें पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप अंत तक वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना जो है तो क्रोम ब्राउजर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद जो है आपको यहाँ पे आपको टाइप कर देना है PSA लॉगिन। PSA लॉगिन टाइप करने के बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है तो ये पेज आ जाता है PSA लॉगिन का। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप PSA लॉगिन पर क्लिक करते हैं आपके सामने जो है इस प्रकार से एक पेज खुलकर ओपन हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है आईडी आपके ईमेल पर सेंड किया गया है या मोबाइल नंबर पर, तो उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे जो तो आपको अपना पासवर्ड डाल देना है और ये कैप्चा जो है तो सेम आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पहली बार लॉगिन करते हैं तो आपके सामने जो है तो पासवर्ड को जो है तो चेंज करने का ऑप्शन आता है। तो आपको जो है तो एक न्यू पासवर्ड डाल के आपको कंफर्म करके चेंज कर लेना है। जैसे आपके पास पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली लिखा जाता है तो उसका आपको दोबारा लॉगिन करना है। जैसे आप दोबारा लॉगिन करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से जो है तो आ जाता है। यहाँ पे आपका आईडी शो हो रहा है और इस प्रकार से जो है तो एक पेज खुलकर आपके सामने ओपन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो है तो आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप इसमें रजिस्टर नहीं कर सकते, रजिस्टर नहीं करते हैं कि येट नॉट रजिस्टर विथ यूटिलाइज। तो आपको जो है तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन का जो एक ऑप्शन आ रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है। यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को जो है तो सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो है तो आपके सामने ये पूरा जो है तो आपका नेम वगैरह सब कुछ आ जाता है। सिंपली यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डाल देना है। आपको पैन नंबर डालने के बाद जो ये सबमिट का बटन आ रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा आ चुका है MD वसीम अकरम रजिस्टर्ड सक्सेसफुली विथ यूटिलाइज। तो इसके साथ जो है तो आपका जो है तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है कि अवेलेबल कूपन्स विथ बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड। यहाँ पे जो तो दोनों ई कूपन और फिजिकल कूपन दोनों जो है तो ये अभी जीरो बता रहा है। आप जो है तो यहाँ से जाकर आप कूपन वगैरह भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये Form 49A का ये ऑप्शन है, यहाँ पे जाकर आप अवेलेबल ई कूपन पर आप जाकर जो है तो कूपन चेक कर सकते हैं कि आपके पास कूपन है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं कि अभी कोई कूपन अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से जो है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फर्स्ट बार। और अगर आप यूटीआई का आईडी लेना चाहते हैं, रिटेलर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, तो आप जो है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है तो व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जो है तो मैसेज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और एक हफ्ता रिटेलर आईडी आप हमसे ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। शुक्रिया।